नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अविल गुरु एजुकेशन में। कल हम लोग बात कर रहे थे उस ट्रिपल सी का, ये पार्ट 3 बन रहा होगा कि पहले सिलेबस डिस्कस किया है, फिर पार्ट 1 डिस्कस किया है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कल देख रहे थे, और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर हम लोग आए थे। ठीक, तो इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो इन्फॉर्मेशन सेट करती हैं किसको, कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक, जिससे क्या हो, कोई प्रोसेस हो सके और कोई आउटपुट आ सके। देखिए, जैसे कीबोर्ड क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहा है, यहाँ से हम कुछ टाइप करेंगे और क्या होगा, ये इनपुट इसके अंदर जाएगा और फिर फर्दर क्या होगा, कोई आउटपुट निकलेगा। आउटपुट किस पर आएगा, या तो इस मॉनिटर पर आएगा, और या तो कहाँ आएगा, या तो प्रिंटर पर आएगा। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वो चीज़ होती है, ठीक, जो हमको दिखाई देती है, हमको बाहर निकल के आती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कैन रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस, बट इट कैन सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इंक्लूड मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। देखिए, मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं, प्रोजेक्टर पर डाटा देख सकते हैं, स्पीकर पर डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हम डाटा देख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के जरिए, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। और जहाँ से हम कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं, जैसे स्कैनर से, माउस से, कीबोर्ड से, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे, जैसे जॉयस्टिक हो गई। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे हम लोग इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, इनका फिगर भी हम लोग देख लेते हैं इसी वक्त, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे गूगल पर जो है फिगर दिखाई दे रहा है। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस लिख दिया, यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे फिगर दिखाई दे रही है। वेबकैम से भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं, जॉयस्टिक से भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं, ठीक, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, और जो है प्रिंटर से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, स्पीकर से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, इस हेडफोन से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, इस स्क्रीन से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। ठीक, मतलब आउटपुट जिससे हमें चीज़ें दिखाई दें, इंफॉर्मेशन दिखाई दें। ठीक है, इनपुट जिससे हम लोग इनपुट इस कंप्यूटर को दें, स्कैनर से हम लोग दे रहे हैं, इस टैबलेट के टच स्क्रीन से हम लोग दे रहे हैं, इस कीबोर्ड से दे रहे हैं, इस माउस से दे रहे हैं, ये देखिए, इस ट्रैक बॉल से दे रहे हैं, इस कैमरा से दे रहे हैं, इस माइक से दे रहे हैं, इस माइक को लगा, मैं एक माइक लगा के बोल रहा हूँ, माउस से दे रहे हैं, ठीक है, इस डिजिटाइजर से दे रहे हैं। ठीक, इस पर मैं भी एक पेन यूज़ करता हूँ ऐसे डिजिटाइजर की तरह, ठीक है, जिससे लिखता हूँ, तो इस तरीके से इनपुट दे रहे हैं हम लोग। ठीक ना, तो आशा करता हूँ आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं उनके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको 2 दिन अगर केवल पेपर का पता हो, 2 से 3 दिन और पेपर निकालना हो, तो वो क्या करें। ठीक, तो 2 दिन में, 3 दिन में पेपर कैसे निकालें, हाउ टू क्रैक विद इन 2 डेज, जबकि ट्रिपल सी का पेपर एकदम सर पे हो, तो कैसे क्रैक करें। ठीक, ये देखते हैं। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, अच्छा यही क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये सेम क्वेश्चन नीलिट के साइंटिस्ट बी 4 दिसंबर का पेपर है, उसका क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो नीलिट के साइंटिस्ट बी के 4 दिसंबर में सेम क्वेश्चन यही आया है। ठीक है, तो ट्रिपल सी का क्वेश्चन कहीं भी काम आ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो 8B जो है, ये क्वेश्चन देख लें, तो 8B देखिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा,
बताइए सीपीयू किसका क्या क्या कंसिस्ट का, केवल एएलयू की एएलयू कंट्रोल यूनिट दोनों, एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर तीनों, तो इसका क्या होगा, इसका होगा इसका आंसर होगा कि एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इन तीनों को ये रखता है, ये सी आंसर होगा। ठीक है, जो बुक में आंसर दिया हुआ है मतलब जो जिस किताब में ये आंसर छपा हुआ है उसने एएलयू कंट्रोल यूनिट लिख रखा है, रजिस्टर नहीं लिख रखा है, लेकिन जो आंसर होगा वो एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर तीनों होते हैं। एक्चुअली रजिस्टर जो होता है वो डाटा स्टोर करने के काम आता है, तो ये तीनों होते हैं। ठीक है, सिर्फ एएलयू कंट्रोल यूनिट क्योंकि हर जगह यही डायग्राम बना रहता है। ठीक, तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं हम यहीं पर। ठीक है, ये आयोग जो नीलिट का बनाता है पेपर, उसने ये आंसर दिया है कि एएलयू कंट्रोल यूनिट होगा, ये आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो बच्चों की ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, एक नंबर नहीं तो उनके चले जाएंगे। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर तीनों होते हैं, ये यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बुक में आंसर ये गलत दिया हुआ है, तो इसको सुधार लें। इसीलिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, जहाँ कहीं क्वेश्चन गलत होगा वहाँ मैं सुधार दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए आगे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1.9 देख ले। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, जो नए तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं नए ज़माने के, उनमें जो इंस्ट्रक्शन होता है किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो होगा, वो पैरेलल भी होगा और सिक्वेंसली भी होगा। पहले के ज़माने में पैरेलल होते थे, पहले ज़माने में पैरेलल पोर्ट होते थे, ऐसे पैरेलल डी टाइप पैरेलल पोर्ट यूज होता था, ऐसे डी बना रहता था, डी टाइप पैरेलल यूज़ होते थे। ठीक है, मैं अक्सर प्रोजेक्ट में यूज़ किया करता था, बीटेक फाइनल ईयर इसी का प्रोजेक्ट ये बनाया करता था, तो मैं इसको खूब यूज़ किया करता था, ये पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट इजी टू हैंडल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये ज़माना आ गया सिक्वेंशियल का। ठीक है, सिक्वेंशियल ये यूएसबी पोर्ट में वगैरह में यूज़ होता है, और आप पीछे देखेंगे तो एक 32 पिन का जो है, 32 पिन का जो है आपको पोर्ट मिलेगा। ठीक है, इससे अब कनेक्ट होता था। फिर क्या हुआ, जब और एडवांस आया तो इन्होंने देखा कि जो पैरेलल पोर्ट की स्पीड थी वो सीक्वेंस में नहीं हुई। देखिए, हम लाइन लगा के एक टिकट ले रहे हैं, ठीक, एक एक जगह खड़े हुए हैं, एक ही विंडो है, लाइन लगी हुई है, सब लोग टिकट ले रहे हैं। अगर दो विंडो कर दें और दोनों जगह पर ऐसे लाइन लगा दें, इस लाइन को तोड़ दें, दो जगह लग जाए, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और लोग ऐसे ऐसे सीक्वेंस में खड़े भी हैं, तो कौन सा सिस्टम फास्ट होगा बताइए। मतलब सीक्वेंस में भी रहें और पैरेलल में रहें, तो जो लेटेस्ट जनरेशन होगा वो इन दोनों पे काम करेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई वो बात। करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ सीडी, ठीक, ये कल ही मैंने आपको बताया था कि कॉम्पैक्ट डिस्क होगी। ठीक है, 10 का डी इसका आंसर। में तो मेरे बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं जो है क्वेश्चन ऐसे ही बोल दिया करता हूँ। MICR, माइकर, माइकर बहुत लोग बोला करते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ सुना करिए, कान में पड़ जाए, उनका फुल फॉर्म नेट पर सर्च करिए करिए, गूगल किया करिए, आदत डालिए। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसको रट लीजिए एकदम से, लाइफ टाइम काम आएगा, कोई अचानक ऐसे पूछ लेगा। माइकर कोड जो है कहीं ना कहीं, आप इसको गूगल करिए कि माइकर कोड कहाँ जो है, यहाँ पर ऐसे जाइए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे करें। जैसे MICR यूज्ड इन, ऐसे लिख के इंटर कर दीजिए, तो लीजिए लिख के आ जाएगा, माइकर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज अ टेक्नोलॉजी यूज इन वेरीफाइंग द लिजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी इन द पेपर डॉक्यूमेंट स्पेशली चेक्स। तो देखिए, चेक के नीचे जो है माइकर लगा रहता है, ये वर्ड यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन अगर आ गया कि माइकर कहाँ यूज होता है, ऑप्शन रहा चेक में, ठीक है, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, तो आप कहोगे माइकर तो सर ने पढ़ाया था, ठीक है, नहीं कहाँ पढ़ाया था ये तो बताया नहीं। ठीक, तो ऐसे गूगल करके चीज़ें खोज लिया करिए कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप में जो लास्ट पार्ट यूज हुआ है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, डिजिटल जो है कुछ भी जानना है आपको तो माइकर वर्ड वहाँ काम आ जाएगा। ठीक है,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, बस यहाँ हमें सत्य असत्य पहचानना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 14 क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर कैन नॉट हेल्प डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल, क्या डिसीजन मेकिंग यानी कि ज्ञान संज्ञान करने में जो बुद्धिमत्ता है उसकी प्रोसेस में, उसकी सहयोग में क्या कंप्यूटर मदद नहीं करता, कैन नॉट हेल्प, नहीं कर सकता? तो ये तो बिल्कुल गलत है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना आगे हो गया कि एक ऐसी कंप्यूटर बनाई गई है जो कि अरब में उसने क्या कर लिया है, वहाँ की नागरिकता तक ले ली है उसने। ठीक है, इसका न्यूज़ भी मैंने डाला है, आप लोग देखिएगा, न्यूज़पेपर मैंने कुछ डाल रखे हैं उसमें मैंने इसका न्यूज़ भी डाल रखा है। ठीक, ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, बिल्कुल ALU पार्ट है, अभी क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने देख लिया है कि ALU बिल्कुल पार्ट है CPU का। द फ्लॉपी डिस्क, हैविंग फ्लॉपी डिस्क की भी बात मैंने पिछले प्रीवियस वाले पार्ट में की है। हैविंग प्रोग्रामिंग इन इट, फ्लॉपी डिस्क हैविंग प्रोग्राम इन इट, इट इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो फ्लॉपी डिस्क मैंने बता दिया था कि उसके अंदर मैग्नेट टेप हुआ करता था, हम लोग निकाल के खेलते थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, OCR इज अ डिवाइस दैट स्कैन रिटन और टाइप टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इंटू कंप्यूटर रैंडम फॉर्म, रीडेबल फॉर्म। ठीक है, OCR एक डिवाइस है दैट स्कैन्स, जो स्कैन करती है रिटन और टाइप्ड टेक्स्ट, जो कि या तो लिखे हुए, मतलब या तो लिखे हुए या तो छपे हुए टेक्स्ट को जो है टाइप ट्रांसफॉर्म करती है, किसमें, कंप्यूटर के पढ़ने योग्य में। ये OCR टेक्निक होती है, OCR PDF में बहुत यूज होता है। हम लोग जैसे कि ये स्कैन डॉक्यूमेंट मैंने डाल रखा है, अगर इस टेक्निक को मैं यूज़ करूँगा तो ये जितने भी ये वर्ड छपा हुआ है ये समय इमेज में है ना, लेकिन लिखा तो इंग्लिश में है, इसको उठा के इंग्लिश में निकाल के ये कर देगा, ये टेक्नोलॉजी होती है। ठीक, तो ये 4 क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, इसको क्या कर देगा, ये रिटन या टाइप्ड होगा उसे किस में बना देगा, रीडेबल में बना देगा। तो ये टेक्नोलॉजी क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे इसकी जानकारी है। ठीक है, आप यूज़ नहीं करते इसलिए जानकारी नहीं है। द प्रोसेसिंग ऑफ वन प्रोग्राम, सबसे बेस्ट तरीका होगा ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर चलाएं और यूज़ करें। द प्रोसेसिंग ऑफ वन प्रोग्राम आफ्टर द अदर विदाउट यूजर इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोसेसिंग। ठीक, द प्रोसेस ऑफ वन प्रोग्राम आफ्टर अदर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एन एग्जाम्पल, विदाउट एनी इंटरवेंशन, यहीं तक ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कहा वह प्रोसेसिंग ऑफ वन प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का प्रोसेस करना, किसी भी एक प्रोग्राम का आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, विदाउट यूजर इंटरवेंशन, किसी यूजर के इंटरवेंशन के क्या एग्जांपल कहलाता है, क्या बैच प्रोसेसिंग कहलाती है? तो ये जो है बिल्कुल सही है, बैच प्रोसेसिंग ही कहलाती है। ठीक है, आते हैं 2.6 देखते हैं हम लोग। एक्सेस टू डाटा, किसी एक्सेस डाटा को एक्सेस करा, स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक टेप इज रैंडम। अगर मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, तो अगर यहाँ डाटा है, यहाँ डाटा है, इस डाटा को एक्सेस करना है, फिर तुरंत ही इस डाटा को एक्सेस करना है, तो क्या कूद के एक्सेस कर सकते हैं? तो ये आपको बता दें, मैग्नेटिक टेप में एक हेड लगा होता है और हेड ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो पहले ये डाटा एक्सेस करेगा, फिर इसके बगल वाला डाटा एक्सेस करेगा, फिर इसके बगल, इसके बगल, इसके बगल, इसके बगल, इसके बगल, फिर यहाँ पहुँचेगा, मतलब रैंडम नहीं है, बिल्कुल सिक्वेंस में चलेगा। ठीक है, लेकिन डिजिटल वाले में यानी कि ऑप्टिकल में रैंडमली कूद सकता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में। ठीक है, यहाँ रैंडम एक्सेस हो सकता है, लेकिन और कहाँ रैंडम एक्सेस हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लगे, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, वहाँ कूद के वो सिक्वेंशियल कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या होता है, ये स्लो होता है, स्लो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैक में जाने टाइम लगेगा, लेकिन इनमें क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब दो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जो है वो क्या होगा, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होगा उसे दो तरीके में क्लासिफाइड किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ा बात कर लेते हैं, ये रहा कंप्यूटर, और इस ये जो मेन कंप्यूटर है उसके दो पार्ट में किया जा सकता है, एक को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, जैसे OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये इसको चलाता है,
और एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर है, हमें क्या चलाना है। ठीक है, आजकल नए तरीके समझाते हैं, अब मोबाइल की बात करते हैं। कहते तो मेरे में ये एंड्रॉयड पड़ा है, ठीक है, ये वाली एंड्रॉयड है, बताते हो बड़े भौकाल से, ये वाली एंड्रॉयड है, 7 पॉइंट इतना है, लॉलीपॉप पड़ा हुआ है, ये वाला वो वाला पड़ा हुआ है। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड पड़ा हुआ है। फिर आपने कहते हो, आप कहते हो मैंने इसमें क्या डाल दिया, आप कहते हो मैंने व्हाट्सएप डाल दिया है। ठीक है, एंड्रॉयड डालने के बाद डालते हो, एंड्रॉयड डली डलाई आती है इसलिए आप जानते नहीं हो, आप खुद से भी एंड्रॉयड डाल सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन होता है, आप खुद नेट पर सर्च करो, आप एंड्रॉयड खुद से डाल सकते हो अगर आपका एंड्रॉयड जो है क्लैश कर जाए। ठीक है, तो आप एंड्रॉयड डालने के बाद क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप डाल देते हो। व्हाट्सएप डालते हो क्यों, क्योंकि आपको क्या करना होता है, चलाना होता है व्हाट्सएप। आप क्या करते हो, उसमें क्लीनर डाल देते हो, आप उसमें और भी चीज़ें डाल देते हो, यूट्यूब डाल देते हो, ठीक है, यूट्यूब के ऐप डाल देते हो, तो ये सब क्यों डाल देते हो, ये क्या करना होता है, इन एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना होता है इस, तो बिना एंड्रॉयड डाले ये सब तो चलेगा नहीं, ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही आप कंप्यूटर का रेफरेंस ले दो, तो ये एंड्रॉयड, ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7 डाल रखा, विंडोज 8 डाल रखा, विंडोज 10 रखा डाल रखा है, ठीक है, एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर डाल रखा है, यूनिक्स लिनक्स डाल रखा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपने वर्ड डाल रखा है चलाने के लिए तो OS हो गया, PDF एक्रोबेट रीडर डाल रखा है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपने मीडिया प्लेयर डाल रखा है कोई, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, तो ये ट्रू हो गया फाइनली। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खूब फैलाएं इसे, जितना ज्ञान को फैलाएंगे उतने आपका ज्ञान फैलेगा। द ग्रुप ऑफ 8 बिट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ बाइट। ठीक है, आठवां का ये भी क्या है, सही है, ट्रू है। यहीं पर इसकी भी बात कर लेते हैं कि 8 बिट बाइट है तो ये क्या है। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट हो गया। जो पहली बार सुन रहे हैं वो बिल्कुल सुन लें, और जो सबको जानते हैं तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे सुन लें। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, इससे कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और यही 1024 का अब आंकड़ा चलेगा, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होगा। ठीक है, फिर यही 1024 मेगाबाइट बराबर एक एक टेराबाइट होगा, एक है भैया। ठीक है, और फिर 1024 टेराबाइट, आप दिमाग में आया कि भैया 1024 टेराबाइट बराबर क्या होगा, तो गूगल करना मैंने आपको सिखाया, गूगल करिए और नीचे कमेंट करिए कि 1024 टेराबाइट बराबर क्या होगा, और जो आज का सुपर कंप्यूटर हमारे पास है वो कितने हार्ड डिस्क है उसकी। ठीक है, नीचे नीचे उसका नाम बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन CCC में आ सकता है। ठीक है, कि अपना इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर है इस समय लेटेस्ट, और कितने टेराबाइट, या जो नेक्स्ट इसका है जो यहाँ पर नाम है उसका। ठीक, मैं बताऊँगा नहीं उसे, गूगल करिए, सर्च करिए, नीचे कमेंट करिए। ठीक है, इतना मेहनत करिए आप, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, और वर्ल्ड का कौन सा नंबर 1 है, ठीक है, जो इस समय का लेटेस्ट डाटा है उसको नीचे शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर एजुकेशन। बिल्कुल, एकदम सीधी बात, पढ़ा सकता है कंप्यूटर। ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तभी तो अभी गुरु एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2011, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड अ प्रोग्राम, एकदम 100%। ठीक, 11 नंबर भी ट्रू हो गया। आउटपुट डिवाइसेस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट द CPU प्रोसेस। रुक जाइए, एक सेकेंड, बढ़ाते हैं इसको। हाँ,
आउटपुट डिवाइसेस स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस और डाटा दैट द सीपीयू प्रोसेस. आउटपुट डिवाइसेस स्टोर स्टोर करके नहीं रखती. देखिए आउटपुट डिवाइसेस में अब यहाँ पर ये पार्सली ट्रू हो सकता है, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है. देखिए आजकल प्रिंटर में भी थोड़ी सी चिप लगी रहती है, छोटी सी, मान लीजिए कि इतनी चिप लगी रहे कि जो है डाटा स्टोर हो जाता है आजकल. ठीक है, थोड़ा सा एक दो 10 पन्ने 100 पन्ने की किताब क्या होती है, सेव हो जाती है. ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है. ठीक, तो ये पार्सली ट्रू हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मॉनिटर ले लीजिए आप, ठीक है, या जो है प्लॉटर ले लीजिए आप, तो इसमें सब में क्या रहता है कि कोई भी ऐसा जो है कोई कोई स्टोर करने के कुछ भी नहीं लगा रहता है. ठीक, सब कुछ कहाँ रहता है, स्टोर करने का सीपीयू में रहता है. तो इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है. लेकिन ये क्या है, पार्सली ट्रू है. तो आने वाले एडवांस टाइम में ये क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा. आने वाले एडवांस टाइम में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये पार्सली ट्रू से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आयोग नहीं पूछेगी, नीलिट नहीं पूछेगी. ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए इसको. मीडियम लेवल लैंग्वेज इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ऐसा कैसे. ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है, मीडियम लेवल लिखा हुआ है. ज़्यादातर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक, इज नॉट अ लिखा था, ये नॉट शब्द को बहुत ध्यान से देखिए. तो ये क्या हो गया, 13 नंबर क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया. मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम. एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है, मैंने समझा चुका हूँ, ये क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में. और कंप्यूटर खुद में क्या है, मशीन है, और देन इसको एग्जीक्यूट करता है. तो जब मशीन लैंग्वेज ही मिल गया तो उसे अब कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसे क्या करेगा, वो डायरेक्ट उसे ट्रांसलेट कर, डायरेक्टली उसे ट्रांसलेट कर लेगा. मशीन को मशीन का खाना मिल गया तो उसे और पकाने की क्या ज़रूरत, उसे पका पकाया मिल गया, उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेगा. ठीक है, तो जय हिंद जय भारत. आज के लिए इतना ही, मतलब इस पार्ट के लिए इतना ही. आगे के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. धन्यवाद आपका बहुत बहुत.